आगरा के कोठी मीना बाजार में सजने जा रहे इस वर्ष की जनकपुरी की तैयारियां चरम पर है। वहीं जनक महल की भव्यता अद्वितीय होगी। दुबई के राम मंदिर की तज्र पर इसे तैयार किया जा रहा है, जिसमें रामायण के प्रत्येक अध्याय का विवरण होगा। ये अब तक का सबसे बड़ा जनक महल माना जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य कोठी मीना बाजार में शुरू हो चुका है। कोलकाता के 100 कुशल कारीगर इस महल को आकार देने में जुटे हैं। जनकपुरी आयोजन समिति के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल के अनुसार कार्यकारिणी के सदस्यों के सुझावों पर जनक महल को दुबई के राम मंदिर की भव्यता की तरह बनाने का निर्णय लिया गया है। महल का निर्माण वास्तु शास्त्र के अनुसार किया जा रहा है, जहाँ इसका मंच पूर्व दिशा की ओर रहेगा और उत्तर पूर्व में हरियाली का प्रावधान रखा गया है। महल का आकार 300x400 फीट के क्षेत्र में फैला होगा, जो आगरा के इतिहास में सबसे बड़ा जनक महल होगा। सौभाग्य का विषय है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को रामलीला कमेटी ने मौका दिया। आज 145 साल के बाद हम लोगों को जनकपुरी सजाने का अवसर प्राप्त हुआ और राजा जनक जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं। तो एक पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम, जो महल का निर्माण हो रहा है जनक महल का, उसमें दुबई का जो हिंदू मंदिर है, जो भारत के अमृतकाल में निर्माण हुआ और उसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, ये हमारे लिए गौरव की बात थी। और मैं सोचा कि हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा के नागरिक और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी उस मंदिर को देखने नहीं जा पाए, तो उसी की एक छटा और उसी का पूरा रूप हम लोग यहाँ जनक महल के रूप में प्रदर्शित करने का काम करेंगे। और इसके लिए आज पोस्टर विमोचन का हम लोगों ने कार्यक्रम किया। जनकपुरी 2024 जो जनकपुरी सज रही है, हमारी समिति ने आपके ये थीम बनाई है। जो दुबई के अंदर मंदिर जो बना है, हिंदुओं का जो मंदिर बना है दुबई के अंदर, उसी थीम पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, उस तरीके उसी पैटर्न पर यहाँ पर ये जनक महल बनने को तैयार हुए। देखिए, अभी तक जितने भी जनक महल बनाए गए हैं, वहाँ पर हमेशा एक समस्या आती है कि आम जनमानस जनक महल के पास तक नहीं पहुँच पाता है और उन लोगों को एक जो बैठने की व्यवस्था है उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए, हमने बैठने के लिए समुचित व्यवस्था करी है। और मुझे उम्मीद है ये 5 दिवसीय कार्यक्रम में आगरा शहर के सभी वासी क्रम से आते जाएंगे, प्रतिदिन बैठ के जनक महल पर प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने का लाभ पाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सभी लोगों को बैठने की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी और उसके बाद खड़े होने की समुचित व्यवस्था रहेगी और एक व्यवस्थित कार्यक्रम के रूप में जनक महल बनके हमारा तैयार हो रहा है, जो भव्य और दिव्य जनकपुरी के रूप में कहलाने का काम करेगा। जनक महल में रामायण के विभिन्न प्रसंगों जैसे सीता स्वयंवर, भरत मिलाप और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाएगा। इस महल के निर्माण में बालकांड से लेकर अन्य सभी प्रमुख अध्यायों को स्थान दिया गया है। ये महल न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि इसकी भव्यता श्रद्धालुओं को भी आकर्षित करेगी। मीडिया प्रभारी राजीव शर्मा ने बताया कि अमृतकाल में इस प्रकार का आयोजन जन जन के लिए विशेष महत्व रखता है। आयोजन की मालूम पड़े कि सागंज क्षेत्र में आने वाली है। हम लोग उसी दिन से अपने कार्यक्रम में सभी युवा वर्ग टीम लग गई थी, क्योंकि सागंज में युवा वर्ग की एक हम लोगों की अलग टीम है पूरी, हम सभी लोग उस पर कार्यक्रम में लग गए। जैसा हमने आपको दिखाया, दुबई में जिस तरह की थीम है, उस थीम को साक्षात हम लोगों ने यहाँ पर मीना बाजार फील्ड में उतारने का काम किया है। और जो लोग नहीं जा पाते वहाँ पर दर्शन करने, वो लोग यहाँ पर आस्थित स्थानीय निवासी दर्शन करेंगे। और निश्चित ही आपको विश्वास दिलाती है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, बैठने की व्यवस्था को लेकर, आप लोगों को बहुत सुरक्षा व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी आपको दिखेगी। और 28 तारीख से लगातार 1 तारीख तक कार्यक्रम चलेंगे 5 दिन के। 2 तारीख को हम लोगों का आगरा के सम्मानित लोगों को सम्मान करने का, और पत्रकार बंधुओं ने जो इतना अच्छा हम लोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जनकपुरी के आयोजन समिति को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। कि देखिए, जिस तरीके से जनकपुरी का आयोजन इस बार भव्य और दिव्य होने जा रहा है, चूँकि आगरा का सबसे बड़ा मैदान कोठी मीना बाजार में जनक महल लगने जा रहा है, तो हमारी निश्चय ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जनक महल का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए जो देखने दिखाने लायक हो। इसके लिए बहुत विचार मंचन हुआ, बहुत मंथन हुआ और अंततः हम लोगों ने, चूँकि समय कम रह गया, तो हम लोगों ने ये निश्चय किया, निर्णय लिया अपना, कि हम लोग इसको हिंदू राम मंदिर जो दुबई में इस साल ही बना है अमृत काल में, उसका हम लोग स्वरूप यहाँ पर बना रहे हैं और बहुत ही दिव्य और भव्य महल हम लोग बना करके तैयार रखेंगे, जिसकी चौड़ाई लगभग 325 फीट के आसपास होगी और ऊंचाई उसकी लगभग 110 फीट से ऊपर होगी। जनक महल का मुख्य प्रवेश द्वार सोरों कटरा की तरफ रहेगा, जबकि निकास द्वार अलग से निर्धारित किया गया है।
आयोजकों का उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूपों के लिए 7 फीट ऊंचाई का मंच तैयार किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को दूर से ही दर्शन में सुविधा हो। इस मुख्य मंच के नीचे एक अन्य मंच भी बनेगा जो आयोजनों और प्रस्तुतियों के लिए उपयोग किया जाएगा। जनक महल के निर्माण में वास्तुकला और धर्म की इस अद्वितीय संगम से जुड़ी ये परंपरा निश्चित ही इस प्रकार श्रद्धालुओं के लिए एक यादगार अनुभव साबित होगी। जैसा कि भी आपको बताया गया है कि जो दुबई का हिंदू मंदिर है जिसका माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया था फरवरी में, ऐसा अद्भुत मंदिर जो हम जनक महल में बनाने जा रहे हैं, इसकी 2 मंच होंगे जहाँ से कोई भी अतिथि आरती करेगा प्रभु श्री राम की, तो जो पीछे का जो राम का भक्त होगा वो उसको बैठे हुए राम के स्वरूप, माँ सीता, वो सब दिखाई देंगे। इस प्रकार से मंच बनाए जा रहे हैं और ऊपर जो 7 फुट में जो मंच होगा उसमें केवल राम के स्वरूप होंगे। सबसे बड़ा राम जी सीता जी के स्वरूप के ऊपर सबसे ज़्यादा उनके स्थान होगा, उनके दाएँ और बाएँ माता सुनैना और जनक जी, दूसरी तरफ जो राजा दशरथ और माँ कौशल्या जी का बैठने का ये किया है। और निश्चित रूप से जो है जो हमारा शागन क्षेत्र है इसमें सभी वर्ग जाति के लोग रहते हैं, तो सबको पहली बार राम जी के नज़दीक से दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो यहाँ पर जनकपुरी बनने जा रही है, जैसे मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज़ की मजबूती के लिए उसके पिलर बहुत मजबूत होने ज़रूरी हैं, तो ये टीम इतनी शानदार है, यंग है, और ये जो हमारे गौरव रजावत जी हैं, हेमंत भोजवानी जी हैं और इनके अध्यक्ष हैं, ये इतने मजबूत पिलर हैं कि इतनी शानदार जनकपुरी सजाने वाले हैं कि सब देखते ही बनेगा। कि इन्होंने एक नई थीम चुनी है, जैसे सबने पूरे ऑल इंडिया जो हमारा भारत है उसमें इन्होंने सब तरह के मंदिर देखे हैं, सभी लोगों ने ज़्यादातर देखे ही होंगे। ये एक ऐसा है कि कुछ लोग नहीं जा पाए होंगे, जैसे मैं ही कह सकती हूँ कि हमने नहीं देखा। ये बहुत सुंदर इनका चयन रहा इस बार, तो कुछ नया ही दिखने वाला है। और सबसे अच्छी जो इनकी बात ये लगी मुझे कि जो इन्होंने VIPs का अलग रखा, वो बिल्कुल सच बात है कि जब कोई भी VIP आता है तो उसके पीछे बहुत भगदड़ सी मच जाती है, तो उससे ना स्वरूपों के दर्शन हो पाते, ना आरती ढंग से हो पाती, ना जो लोग अपनी भीड़ भाड़ में बेचारे होते हैं उनको कुछ दर्शन हो पाते हैं। तो ये बहुत ही इनके लिए बहुत सराहनीय बात है, मैं इनको तहे दिल। आयोजन समिति के सदस्यों में प्रमोद वर्मा, मधु बघेल, हेमंत भोजवानी आदि मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए कैमरामैन ताराचंद के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट।